नमस्कार जैन साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। साथियों, जो आज एग्जाम हुआ था उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। क्या आज की एनालिसिस रहने वाली है, वीडियो पर आप एंड तक बने रहे। जो भी स्टूडेंट वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। DRDO की जो भी अपडेट है आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल जाती है। करते हैं वीडियो को। तो जो आपको सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं। तो वर्तमान के अंदर आपकी जो राज्यसभा है उसमें 245 सदस्य हैं, लेकिन जो सीमित सीटें हैं वह 250 सीटें हैं। 250 सीटें तक आप उसके अंदर राज्यसभा में सदस्य रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, कालिदास ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी। चार ऑप्शन आए थे, उसमें से एक ऑप्शन बताना था कि कालिदास ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी। तो वह ऑप्शन यह था उत्तर रामचरितम, यह कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई थी। जो कालिदास के द्वारा लिखी गई थी कुमार संभव, अभिज्ञान, शांकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश और भी पुस्तक हैं, यह वहाँ पर लिखी गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में धातु और अधातु कौन सी है। तो यह एक प्रकार की सारणी आई थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। हाइड्रोजन के अलावा जारक, गंधक, हेलोजन तथा एकरीय गैस अधातु मानी जाती है। आवर्त सारणी के केवल 22 तत्व अधातु श्रेणी में गिने जाते हैं, जबकि धातु की श्रेणी में 92 तत्व आते हैं। फिर भी पृथ्वी और वायुमंडल जलमंडल का अधिकांश भाग अधातु के अंदर ही आपका गिना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो साइंस का क्वेश्चन आया था, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। अपनी जो तीनों सेना होती है उसका सर्वोच्च कमांडर एक ही होता है, जो कि भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर किस नदी के तट पर बसा है। तो साबी नदी के तट पर यहाँ पर बसा है। आज के जो एग्जाम था इसमें नदी के बारे में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप मैथ पर ज़्यादा ध्यान दे के जाएँ। मैथ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर, मैथ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, ठीक है, आपके संबंध के बारे में, ये मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कॉमनवेल्थ गेम 2022 बैडमिंटन गोल्ड मेडल कौन जीता है। तो यहां हो जाएगा लक्ष्य सेन ने यहां पर जीता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है। तो यह हो जाएगा इसका साहित्य, साहित्य क्षेत्र है उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा किस नदी पर बसा है। तो चंबल नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है। तो टोटल होती है 11 संख्या होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो सबसे ईजी है, पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस बनाया जाता है 22 अप्रैल को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरुणाचल प्रदेश की ऊंची चोटी कौन सी है। तो वह होगी गोरी चेन, यह ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश की। साथियों, कुछ भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके सवाल का सही आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, जो भी स्टूडेंट के द्वारा जो हमारे पास व्हाट्सएप पर एग्जाम दे के आए थे, जो स्टूडेंट वह क्वेश्चन आए हैं उसी के माध्यम से आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर आपके सही रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इस वजह से ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकते हैं। तो आप कमेंट जरूर कर देना सभी आंसर के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो यह जीता था अर्जेंटीना ने, यह वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिटमस पेपर किस कलर का होता है। तो यह मूल रूप से तो बैंगनी कलर का होता है, अगर जो अपनी भाषा में बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं लाल रंग का, यह जो पेपर है यह लाल रंग का है, लेकिन जो मूल रूप है इसका बैंगनी कलर रहता है। ठीक है साथियों, ये आपके 15 क्वेश्चन थे जो कि हमारे आपके आपके द्वारा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रदान किए गए थे, बताया गया था, तो यह आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। अगर जिस भी स्टूडेंट के पास नेक्स्ट एग्जाम है तो वह जरूर शेयर करें हमारे पास। यह थी आज की वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट शिप के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।